बहुत पीड़ा हुई कि उनको ये मालाएं पहना रहे थे। लानत की बात है, ऐसे लोकतंत्र को मैं लानत भेजता हूं कि बलात्कारी हत्यारे। आपको हमेशा मैंने देखा है कि आप उतरते हैं सड़कों पर, आते आपने क्या किया सर युवाओं के लिए? आपने कितना योगदान अब तक दिया उन किसानों के लिए या उन युवाओं के लिए? वेरी गुड, ऐसे तीखे प्रश्न करिए तो मजा आएगा। मेरी 66 साल की उम्र है बेटा, 45 साल से बच्चों में काम कर रहा हूँ, उनके लिए हमने मॉड्यूल बनाया, उनको प्रकृति से प्यार करना सिखाया कि आप अगर चाहते हो कि भारत दुनिया का सिरमौर देश बने तो आप अपने नागरिक दायित्व बोध को जगाना। दूसरा, मैं काम करता हूँ बंदियों में, मेरा प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर, कि भाई देखिए आप लोगों ने उनको बेगुनाह लोगों को भी जेलों में डाल दिया। एक नहीं, 87% लोग भारत के बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं इस करप्ट सिस्टम के कारण। जुडिशरी खत्म हो गई, अब आप बताइए न्याय मांगने कहाँ जाओगे आप? मेरी 10 साल से PIL चल रही राजस्थान में, जयपुर में, नोटिस सर्व नहीं हुए, क्या विश्वास रह जाएगा हमारा? आप बताइए सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति चल रही है, आप देख रहे हो किसान आंदोलन के दौरान। आप बताइए मुझे, किसानों को जुडिशरी से बाहर कर दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई SDM और DC के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, तब आप लोग चुप रहे? आप लोगों का क्या धर्म है? बताना था ना कि जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंस है। तब मैंने उस बोवड़े को बेवड़ा कहा, बेवड़ा मतलब दारू पीने वाला, वो दारू पी के नशे में सोता रहा, इस करप्ट सिस्टम ने उसको सिस्टम से बाहर कर दिया न्यायालय को, कि तुम बात नहीं सुनोगे किसानों की। किसानों के ऊपर वो थार गाड़ी चलाने वाला टैनी का बेटा, टैनी क्या कह रहा था आप लोगों से कि अगर मेरा बेटा इन्वॉल्व हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसने इस्तीफा दिया? आप लोगों ने मांगा उससे इस्तीफा? मुझे शर्म आती है, आप कौन सा लोकतंत्र बना रहे हो? आप तो लूटतंत्र बना रहे हो भारत को। अगर आपको लोकतंत्र बनाना है तो आप अच्छे प्रश्न करो, सामाजिक जागृति का प्रश्न ही है, लोग वोट का सदुपयोग। अब आप देश की जनता को डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं, देश की जनता को जुडिशरी पे भरोसा नहीं, देश की जनता को सरकार पर भरोसा नहीं, तो किस पर विश्वास करेगी? जनता पर, जनता मालिक है इस देश की, इस देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायाधीश मालिक नहीं है, जनता मालिक है, जिसको सील करके रोक रहे हैं ये लोग। जनता की आवाज को रोकने की साजिश की जा रही है। जनता की आवाज का मतलब समझ रहे हो? कोई आदमी जंतर मंतर पे क्यों आता है? मुझे मजा आ रहा है। स्वामी जी, आप टैनी की बात कर रहे थे, उसी जगह से उसी जनता ने 7 सीट पर उनको जिताया। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने किसानों से कहा था कि आप लोग गलत ट्रैक पे हो, हार जाओगे आप लोग। क्या मिला किसानों को? क्या मिला? क्या MSP मिला उनको? मैंने कहा था तुम इनको नेशनल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को बाइट देना बंद करो, ये जैसे जैसे इनकी ताकत घटेगी अपने आप सोशल मीडिया बड़ा होगा और समाज में सही सूचनाएं पहुंचेंगी। तो जनता का प्राप्त हुआ ना, फिर वही बात है, भोली भाली जनता है भाई। जनता को नागरिक दायित्व तो बोध जगाने के लिए तो हम लोग निकले हुए हैं। ये प्रश्न था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसलिए तो आया हूँ, नागरिक दायित्वों का प्रश्न है कि हमारे वोट। आप उस जनता को भोली कह रही है जो हिंदू के नाम पर, हिंदू के नाम पर सड़कों पर उतर आती है। फिर वही बात है, बात समझने की कोशिश करो, हिंदू एक जीवन पद्धति है। इस संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बनाए गए थे। इन शुद्र स्वार्थ वाले राजनीतिकों ने उसको औजार बना लिया है, उसी के कारण भारत रसातल में जा रहा है। अमृत काल में बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, गुजरात का देखा होगा आपने। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उनको ये मालाएं पहना रहे थे, लानत की बात है, ऐसे लोकतंत्र को मैं लानत भेजता हूँ कि बलात्कारी हत्यारे, उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो? और जुडिशरी क्या कर रही है? वो कह रहा है क्षमा नीति के तहत हम छोड़ रहे हैं, जुडिशरी को रोकना चाहिए, उसको विशेषाधिकार है कि आप कैसे बलात्कारियों को और मर्डर करने वालों को निकाल सकते हो और आप सबको क्लीन। इसके पीछे सारी सत्ता की ताकत है ना, आपकी वोट की ताकत है मेरे भाई, समझो। ये भारत लोकतंत्र नहीं रहा, लूटतंत्र में तब्दील हो गया और इस भारत को नाग कंपनी चला रही है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। इस कंपनी से जब तक आप देश को बाहर नहीं निकालोगे, एक सच्चा लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। अच्छा, राजस्थान की घटना, जो बालक को पानी पीने पे मार दिया जाता टीचर के द्वारा, क्या कहेंगे इस वाले पे? अरे पूरे देश का यही चरित्र है भाई, मेरा ये कहना है शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है, ये दलित दलित क्यों बोल रहे हो आप? आपके दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है, इसी के आधार पर तो फिर वही तो बात है ना, उनके दिमाग में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए चिकित्सालय खुले हुए हैं ना। तो मैं तो कहता हूँ ये हमारा पंत प्रधान ही मानसिक रूप से बीमार है, ये लोकतंत्र की शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। जिस जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना विश्वास दिया, उसने बदले में क्या दिया? गोलियां चलवाई, 750 किसानों को मौत की नींद, और 80 करोड़ लोग अब उनके झोले लेके घूम रहे हैं उनके फोटो के साथ, लानत की बात है। उनको स्वनिर्भर
स्वावलंबी भारत बनाना था, 8 साल बहुत लंबी मियाद होती है, बच्चा माँ के पेट से बड़ा होकर दौड़ना सीख जाता है। स्वामी जी आप कह रहे हैं मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जब राष्ट्रपति बनाते हैं तो कहते हैं आदिवासी है, राष्ट्रपति बनाते हैं तो वो कहते हैं दलित है, तो कौन है मानसिक रूप से बीमार? तो यही तो एरर है मेरे भाई, इसी को तो समझना है। मैं आपको अभी बोल गया कि संसार में दो जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। इस दुनिया का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते हुए राम का रा बोल सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, समझिए। ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण को जब आप पकड़ोगे अपने अंदर तो एक चमत्कारिक मानव पैदा होगा। मैं गारंटी करता हूँ जिस दिन आपका ये एरा दिमागी कीड़ा निकल गया, दलित और ये ऊंचा और ये नीचा, ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ये सब पंथ हैं, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब समझ रहे हो, जैसे नमक खा रहा है शक्कर मीठी है नीम कड़वा है, ऐसे सनातन प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। 5 एलिमेंट को समझो, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि कैसे काम कर रहे हैं। हजारों साल पहले बैलगाड़ी का बैरिंग था, आज ड्रोन का बैरिंग है, माइंड अपसेट हो रहा है। जापान के अंदर 1964 में बुलेट ट्रेन आया, नो डिले नो एक्सीडेंट, हमारी ट्रेन 100 किलोमीटर की पूरे नीचे जा गिरती है, हम कहाँ ले जा रहे हैं देश को? क्या ट्रेनिंग है हमारे पास, क्या ट्रेनिंग? जो प्रधानमंत्री लाल किले से इतना बड़ा झूठ बोलता हो कि महिला सम्मान की बात, और उसी दिन महिलाओं के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। भाई आप इसे प्रधानमंत्री कहते हो ना, जिसने 2019 में कहा आप मुझे वोट दो, मेरे प्रतिनिधि मत देखो मेरी नजर में, तो उसी दिन गिर गया था वो। अगर वो कहता कि आप अपने क्षेत्र का बढ़िया एमपी चुनिए और जो एमपी ज्यादा आएंगे उसका प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं मानता हूँ सच्चे लोकतंत्र का हिमायती। तो आप गुलाम बने रहो, यही तो गुलामी की परिभाषा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। जनता का जनता से जनता के लिए, जब तक एमएलए एमपी अपने नहीं चुनोगे वो घोषणा पत्र डिलीवर कैसे कराओगे? जनता क्यों कहते हैं आप? हाँ जी, फिर भोली भाली जनता क्यों? भोली भाली जनता तभी तो ऐसा कर रही है, अगर जनता जागरूक होती तो अपने एमपी एमएलए चुनती ना। प्रधानमंत्री आप अमेरिका में थोड़ी खड़े हो भाई, भारत में खड़े हो, यहाँ प्रधानमंत्री कौन? जनता जागरूक होगी जब आप उसको वोट की शक्ति से परिचित कराओगे कि आपके हाथ से ही वोट फिसल रहा है और इसी में सारी शक्ति छुपी हुई है। डर दिखाया जाता है। हाँ जी, देश खतरे में आ जाता है। हाँ, फिर कैसे भोली वाली? तो आप क्या 1857 से 1947 का इतिहास नहीं पढ़ा क्या आपने? 90 साल आजादी का आंदोलन क्यों चला? एक दिन में देश आजाद हो जाता? ये भोली भाली जनता तभी तो धीरे 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 जागती है। अब इनके पेट पे लात पड़ रही है, अब धीरे धीरे जागेंगे। मैं तो जंतर मंतर पे बहुत दिन बाद ये नज़ारा देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ हमेशा, यहाँ देखता हूँ सीज, इन्होंने तो सारा सील कर रखा इलाके को। पुलिस वाले कहते हैं अंदर जाना मना है। बताओ अब जंतर मंतर ये ऐतिहासिक स्थल है जहाँ वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था, आज़ादी के आंदोलन में इसकी बड़ी भूमिका है, इसको ही कुचला जा रहा है, तो बाकी चीजों की क्या उम्मीद कर रहे हो? आजादी की लड़ाई जनता लड़ेगा, वो तो अंग्रेज से लड़ा था। अरे आप किससे लड़ेंगे? अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज बैठे हैं अब तो। पहले वो अंग्रेज तो काफी लोग थे, तो 3 ही है खाली। गौतम अडानी का पैसा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से आ रहे हैं, बस आप भुगतते रहिए। अगर आप इनको वोट देते रहिए, भुगतते रहिए बहुत मस्ती के साथ। 80 करोड़ है, कल 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर सारे देश की जनता भिकमंगी हो जाएगी और फिर राम 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 मंदिर में बैठ के करना वहाँ आपको जो। हाँ जी, मेरा यही कहना है भाई कि आप लोग अपने क्षेत्र में, मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं देश की जनता से कि बहुत हो गया, 75 साल का अमृत महोत्सव है, अब जो भी चुनाव आए आप अपने प्रतिनिधि देखो, किसी राजनीतिक दल को मत देखो, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत हो गया है। ये 100 करोड़ 200 करोड़ में खरीदेंगे, आप किसी को भी जिता दो ये खरीद के अपना बना लेंगे, उससे समस्या का हल नहीं होगा। समस्या के हल का एक ही तरीका है, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनो, इसी में आपका मेरा समाज का देश का मानवता का हित।